मुरादाबाद जनपद की तहसील सदर अंतर्गत विकासखंड भगतपुर टांडा के गांव लालपुर बराही में रेलवे फाटक पर कराए जा रहे अंडरब्रिज निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग को लेकर भारी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण होने से ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसी रास्ते के दोनों ओर तालाब है तथा उसी रास्ते से कब्रिस्तान को रास्ता निकलता है जो बंद हो जाएगा, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रास्ते के दोनों ओर तालाब होने के कारण ब्रिज में पानी भरा रहेगा, जिससे किसानों को खेती करने में बहुत मुश्किलें होंगी। यह भी कहा गया कि इसी रास्ते के द्वारा 12 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं, जिनका आवागमन इसी मार्ग द्वारा होता है। सवाल किया गया कि सब कुछ जानने के बाद आखिर लोगों को क्यों गड्ढे में धकेले जाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गाँव के निकट जो भी ओवरब्रिज बने हैं, उससे ग्रामीणों को कोई फायदा तो हुआ नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ है। और अब लालपुर बराही में रेलवे फाटक पर जो अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है, वह भी ग्रामीणों के लिए मुसीबतों भरा होगा। जिला प्रशासन एवं रेल प्रशासन से फाटक के ऊपर अंडर ब्रिज का निर्माण न कराए जाने की मांग ग्रामीणों द्वारा उठाई गई है। इस अवसर पर निशांत चौधरी, रिंकू चौधरी, ग्राम प्रधान सर्वेश केशव प्रसाद शर्मा, मनवीर सिंह, गुड्डू सिंह, संतोष कुमार, मोहम्मद जमील, लखपत सिंह, सुखबीर सिंह, मोहम्मद सलमान एवं ओमपाल सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये, हमारे गांव में रेलवे लाइन निकलती है जिसके नीचे लोग अंडर बना रहे हैं, अंडर ब्रिज बना रहे हैं, जिससे हमारा गांव प्रभावित हो रहा है। उससे 10-12 गांव का रास्ता है, वो इस साइड में भी तालाब है, दूसरी साइड में तालाब है। जब वो नीचे अंडर ब्रिज बनाएंगे तो उससे पानी रहेगा, हमारे गाँव को बहुत दिक्कत है, इसलिए हम ये चाहते हैं हमारे गाँव में वो अंडर ब्रिज नहीं बना। क्या मांग करते हैं, कहाँ पर आए आप? हम जिलाधिकारी जी के पास आए।